हेलो हाँ तो दोस्तों कैसे हो आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का यानी नौवीं कक्षा के लिए जो है सामाजिक विज्ञान ये टॉपिक कई मान्य में एग्जाम के व्यू से बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसमें जो है हम कुछ ही क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो कि हमारे चैप्टर के अंतर्गत होगा ठीक है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी रहेगा क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में समझाया जाएगा ठीक है जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बोला है कि एग्जाम के समय में आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा तो वो जो है वादा पूरा करने का समय है तो चलिए देखते हैं हमारा आज पहला क्वेश्चन क्या है तो यहां पर क्वेश्चन हमारा आया है थर्ड व्हाट आर दैसुलर फीचर ऑफ नाजिन थिंकिंग देर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट है पेस्कुलर फीचर ऑफ नाजिन थिंकिंग There is the most important here. The personal feature of nazi thinking are follows. There's the most important here. Nazi is ideology was the same as a Hitler is a world view. The nazi's ideologies was to there is a some as a Hitler is a world view. According to this, there was no equality between people, but only a racial heritage. And in this view, the is brown there. The blue eyes, Nordics, germs. Uh, Aryan where at the top is called to the desirable and will the jobs undesirable. There job is always undesirable, that is the most important, and where placed at the lowest is wrong. The Hitler racial was the influenced by the thinker like uh, Charles Darwin and Drevins and the Harvard Spencer. Their Nazis agree agreement was uh, simply there is a the strongest race, but we survive. There is a big once would be. Is there is the most important here. The Hitler believe in there is a is a living room and the living space and the new territories have to be uh, conquered to be increase the living space. There is a Hitler's a main aim. The Nazis want to a society of pure and healthy the Nordic's in. It means that is even those is a germ, Germans is a who were to see seen as the impure or normal had no right to leave. Under the, the youth program, the Nazis condemned need to be that many of Germans, who were mentally and physically unfit, they are the most important. But, as soon as Hitler is come to power, he tried to the eliminate the undesirables. And there is a guy boss. And the Nazis proceeded to be rise there is a murders racial idols that is the most important also the zaps is reminded that is a was in suffer is another germany and this is called undesirable the hitler is a hearted for the jobs was based on the it's the the scientifics and theories of the racial pseudo science scientifics is the theories of the racial which held the

ठीक है तो उस समय की स्थिति आपको पता ही होगा जैसे हम पहले दूसरे क्वेश्चन में डिस्कस किए थे कि उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी बिल्कुल चरमरासी गई थी और कहते हैं कि साठ लाख बेरोजगारी होना आम बात नहीं था और लोग बहुत ही हताश हो गए थे तो इस कंडीशन में जो है हिटलर ने उनको ऐसी सोच विचार दिया जिसको उनको मानने के सिवा कोई और चारा नहीं थी तो यही बात यहाँ आती है कि नाजी सोच की खासियत क्या थी आखिर नाजीलिज्म में जो व्यक्ति विश्वास करते थे उनकी क्या खासियत थी क्या हिटलर की सोच थी कि कैसे जो है इस इसको आगे बढ़ाया जाए तो यही बात की विशेषताओं पर जो है हम यहाँ प्रकाश डालेंगे और जानने कोशिश करेंगे कि आखिर हिटलर की सोच क्या थी यानी नाजीलिज्म को मानने वाला हिटलर आखिर किस सोच के साथ आगे बढ़ा तो नाजी विचारधारा हिटलर के जो है विश्व दृष्टि के समान थी यानी वो विश्व को अपने व्यू से देख रहा था पूरा वर्ल्ड को अपने व्यू से देख रहा था और इसके अनुसार लोगों के बीच कोई जो है समानताएं नहीं थी ठीक है समानताएं नहीं थी बल्कि केवल एक नस्लीय पदन था यानी जो हिटलर था वो लोगों को एक सामान्य दृष्टि से नहीं देखता था उसके समक्ष सिर्फ केवल नस्लीय पदन था यानी नस्ल के रिगार्डिंग वो देखा करता था इस दृष्टि से गोरे नीले आंखों वाले नासिक जर्मन आर एस शीश पर थे यानी जो जो थे कहते हैं गोरे थे नीले थे आँखों वाले थे यानी जिनकी ये खासियत थी वो सबसे ऊपर शीश पे थे जिन्हें वांछनीय कहा जाता था उस समय जबकि अयुदिया यानी अवांछनीय को सबसे नीचे पैदान पर रखा गया था यानी आपको पता होगा कि अयूदी यानी जॉब्स को जो है वो बिल्कुल ही नकार दिया था आपने नाजम के रिगार्डिंग जो है एक स्टोरी भी पढ़ा था एक नॉवल भी पढ़ा था जो कि एनी फ्रैंक का था ठीक है एनी फ्रैंक जो था आपने पढ़ा होगा डायरी ऑफ यंग गर्ल ये काफ़ी महत्वपूर्ण था और इसमें साफ जो है समझाने के लिए पर्याप्त था कि उस समय नाज़लिज़म में जो था जैब्स को बिल्कुल ही नकार दिया गया था उनको अनवाय माना गया था और वो जो थे छुप छुप के अपना जीवन व्यतीत करते थे जिसको एनी फ्रैंक ने साफ शब्दों में अपने लैंग्वेज में छोटे उम्र होते हुए भी उसने इस बात को जो है उजागर करने की कोशिश किया था कि कैसे भेदभाव होता है अगर आपने नई नोवेल पढ़ा है तो पढ़ लेना जान लेना वैसा ही कंडीशन यहाँ पर जो है हिटलर का विचारधारा था कि वो सिर्फ आर्यन लोगों को ही प्रॉपर्टी देता था या नहीं देखा जाए तो जो गोरे थे नीले थे छे नीले आँखों वाले जो है नासिक जर्मनी पर ही उनको ही उसने प्रॉपर्टी दिया लेकिन जो अहुदी थे जो अवांछनीय थे उनको उसने नीचे पैदान पर रखा जैसे कि एनी यानी या, इस डायरी ऑफ द यंग गर्ल वाली जो आपने स्टोरी पढ़ी होगी उसमें साफ इस बात पर जाहिर किया गया था कि उसमें सा, उस समय जॉब्स वाले साथ कैसे बिहेवियर किया जाता था हिटलर का जो है नस्लवाद चार्ल्स डेनविस और हेल्व स्पेंसर जैसे विचारकों से भी काफी प्रभावित था नाजी तर्क सरलता सबसे मजबूत जाति जीवित रहेगी कमजोर लग नष्ट हो जाएंगे इस भेदभाव पे वो आगे चलता था यानी हिटलर का बिल्कुल भि, यही विचारधारा था कि सबसे मजबूत जाति जीवित रहेगी और कमज़ोर लोग नष्ट हो जाएंगे जैसे आपने डार जो है चार्लस डानविस और हर्बल्स स्पेंसर के भी रूल में यही बात लिखी गई थी कि जो संघर्ष करेगा जो आगे बढ़ेगा वही जीवित रहेगा और यही हिटलर की विचारधारा था कि जो संघर्ष करेगा वही आगे बढ़ेगा जो कमजोर होगा वो नष्ट हो जाएगा यानी देखा जाए तो हिटलर पे जो है चार्ल्स डेनविस और हेल्ब स्पेंसर का विचारधारा का बहुत बड़ा प्रभाव था और यही सोच ने उसको जो है वहाँ का जो है सम्राट बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा हिटलर जो है लिबनोरेसम्स या क्या रहने के जगह में विश्वास करता था यानी वो हिटलर जो था लेबेंस या रहने की जगह में विश्वास करता था रहने की जगह बढ़ाने के लिए नए प्रदेशों को जितना चाहता था यानी हिटलर का एक ही मनसा था कि जितना हो सके देशों को जीत के जो है अपने देश में मिला के पूरे साम्राज्य की स्थापना करना था जैसे आप जानते ही हो कि हमारे देश में बहुत सारे लोग बहुत सारे राजा आए जो राज्य की और पूरे देश में जो है अपना प्रचंड लहराया वही हिटलर का भी महतित्व था कि हिटलर भी चाहता था कि हर देश जो है हर एक कंट्री जो है उसके अंदर रहे तो इसी विचारधारा से जो पूरे विश्व के साथ उसने जो है द्वितीय विश्व जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी उसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और इन्हीं कारणों से जो है सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ जिसमें मित्र राष्ट्र थे और एक तरफ हिटलर था ठीक है तो ये आपको समझ में आएगा जानिए समझिए ठीक है तो ये बहुत बड़ा उसके विचारधाराओं के कारण जो है विश्व युद्ध सेकेंड हुआ हिटलर का मानना था कि नाजी शुद्ध और स्वच्छ नार्सिक आर्य का समाज चाहते थे यानी नाजिलिज्म का एक ही विचारधारा था कि वो शुद्ध और स्वच्छ नार्सिक आर्य का समाज चाहते थे वो जॉब्स वालों को रहने नहीं देना चाहते थे इसका अर्थ था कि जिन जर्मनियों को अपवित्र या असामान्य के रूप में देखा जाता था उन्हें भी जिन्हें कोई अधिकार नहीं था ये बिल्कुल ही जो हिटलर का विचारधारा था कि जो अपवित्र हैं जो असामान्य हैं उनको जीने का कोई अधिकार नहीं है ये हिटलर का सबसे भयंकर विचारधारा था जो कि बिल्कुल ही एक क्रूरता की तरफ ले जाता है कहते हैं इच्छा मृत्यु कार्यक्रम के तहत नाजी ने कई जर्मनों के मौत के सजा दी जो मानसिक या शरीर रूप से अयोग्य थे देखिए ये क्रूरता का सबसे बड़ा परिचालक था हिटलर का नाजिलिज्म को मानने वालों के लिए देखिए उसने सारे जितने भी कमजोर लोग थे जो मानसिक तौर से बीमार थे अयोग्य थे उसको इच्छा मृत्यु यानी स्वयं ही मृत्यु को गोद में सुला दिया था ये बहुत बड़ी जो है उसकी थिंकिंग थी कि नाजी ने कई जर्मनी को मौत की सजा दी और जो मानसिक और शरीर रूप से अयोग्य थे उनको उसने मरवा दिया सत्ता में आते हिटलर ने अवांछिताओं को जिप्सी को खत्म करने की कोशिश की नाजियों को अपने जानलेवा नस्लीय आदेश को साकार करना जारी रखा यानी जैसे ही सत्ता उसको मिला हिटलर को उसने क्या किया सभी व्यक्तियों को जो है मौत के घाट उतार दिया तो ये बहुत बड़ी बात थी यहाँ पर जो है हिटलर का विचारधारा के रूप में यानी इतने भयंकर विचारधारा रखने वाला हिटलर कैसे जो है वहाँ का शासक बना देखिए शासक उस समय स्थिति ऐसे पैदा हो रखा था कि हम वहाँ ना चाह के भी इसको लाना वहाँ के लोगों के लिए जो है मजबूरी बन गई थी क्योंकि आपने जाना ही होगा कि 29 के आसपास 1929 नाइनटीन ट्वेंटी के आसपास जो आर्थिक संकट थी वो देश को बिल्कुल ही खत्म करने कगार पे था वो लोग सोचते थे ऐसे ख़त्म होने से अच्छा है किसी से ख़त्म हो जाए तो बेटर रहेगा तो उसी लिए जो है हिटलर को जो है उन्होंने प्रोटी दिया और हिटलर ने आश्वासन भी दिया कि वो गाड़ी को दूर करेगा यहाँ पर जो है अच्छे से अच्छे शासन लागू करेगा क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध का जो सजा जर्मनी के लोगों को मिला था उससे वो उबार रहा था और प्रथम विश्व युद्ध में वो बिल्कुल ही खोखला हो गया था जर्मनी और इसके उबार सिर्फ हिटलर ही सकता था क्योंकि कुछ सख्त नियम रेगुलेशन चाहिए था वो हिटलर के पास में ही था इसलिए लोगों ने विरोध नहीं किया उसको इस शासक बना दिया तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कहते है, नाजी जर्मनी में सबसे ज़्यादा पीड़ित रहे यानी देखा जाए तो नाजी निजाम के जितना सालों तक तो अपना राज्य रखा सबसे अधिक पीड़ित जो थे वो सिर्फ एक ही थे वो थे अयूदी ठीक है यूदी के जो था बिल्कुल ही जो है उन्होंने परेशान और पीड़ित करके रखा था उन्हें अवंछनीय कहा जाता था और अयुदियों के लिए हिटलर की नफरत नस्ल के छल जो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी यानी देखा जाए तो इसकी जो हिटलर की नफरत थी और नस्ल के वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित थी जिसके अनुसार धर्मांतर कोई समाधान नहीं था यानी कोई व्यक्ति धर्मांतर भी नहीं कर सकता था तो धर्म भी नहीं बदल सकता था क्या हिटलर का मानना था कि धर्म भी बदल लेने के बाद भी वह उसी जाति के थे और उनके बॉडी शरीर में जो है वही खून दौड़ रहा है तो ये उसका हिटलर का सबसे बड़ी नफरत की एक आग थी इनका पूरी तरह से सफाया किया जाना चाहिए यानी नाजिलिज्म के अंतर्गत वो हर एक अहूदी को खत्म करना चाहता था और हर एक अपवित्र व्यक्तियों को खत्म करना चाहता था हर एक मानसिक शारीरिक बीमार व्यक्तियों को जो है खत्म कर देना चाहता था क्योंकि उसको मानना था कि ये सिर्फ बोझ होते हैं तो यही सोच के वजह से जो है यहाँ पर हिटलर के जो है कहा जा सकता है कि ये इसकी सोच विचार थी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हिटलर किस विचार का सोच रखता था तो आपने जो मैंने समझाया है अगर आप वो भी लिख देते हो तो एग्जाम के लिए पर्याप्त रहेगा